हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस रीजनिंग की। अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको हरियाणा पुलिस के अंदर जो रीजनिंग आएगी तो वो आपको पूरा उसका सिलेबस बता देता हूँ। फिर जो भी सारी बातें हम भी करेंगे तो आप प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी डिटेल मैं दे सकूं और सारी बातें हम कर सकें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस देखिए। शब्दात्मक एवं संख्यात्मक श्रृंखला आपको पता होगा, इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे। रक्त संबंध एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दिशा परीक्षण एक क्वेश्चन, तो 101% श्योर अगर लक अच्छा रहा तो दो क्वेश्चन आएंगे। वर्गीकरण इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और जो टोटल जो रीजनिंग के क्वेश्चन 25 से लेकर 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा तो आपके 50 नंबर तो इसी में से कंप्लीट हो जाए। अगर एक क्वेश्चन डेढ़ नंबर का होगा तो भी आपके 36 नंबर इसी में से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा तो भी आपके 25 नंबर इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर आप रीजनिंग करके जाएंगे तो इसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए आपको रीजनिंग छोड़कर नहीं जानी है। सादृश्य, सांकेतिक भाषा, कैलेंडर तथा घड़ी, मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा, फिर पूरी डिटेल भी बता दूंगा। उसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द संरचना, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, गणितीय तर्कशील एवं गतिशील सक्रियाएं, वेन आरेख। तो ये सारे हमारे 11 चैप्टर हैं, जिनमें से हम मान के चलते हैं कि दो दो क्वेश्चन आएंगे, तो किसी में से तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं और किसी में से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टोटल हमारे 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे 11 टॉपिक हैं जिनको हमने बहुत अच्छी तरह से करना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती ना हो। तो इसके लिए क्या हम प्रैक्टिस करेंगे? अगर आप लोग हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है स्टडी मास्टर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं। जब वो उसके ऊपर एक निशान आ जाएगा ऐसे करके, तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आया करेगा जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा। और आप मुझे बताते जाइए कि सबसे पहला आप कौन से करना चाहेंगे। ये मैंने आपको 11 टॉपिक करवाए हैं, तो 11 टॉपिक में से आप सिर्फ टॉपिक का नंबर कमेंट कीजिए, 1, 2, 3 बता दीजिए कौन सा टॉपिक है। करवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ तो इसी तरह से हर एक चीज आपको, अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से करवाया जाएगा, कि अगर वेन डायग्राम के क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से करवाया जाएगा, वर्गीकरण के क्वेश्चन तो करवाए जाएंगे, रक्त संबंध है तो आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया जाएगा कि ब्रदर है, मदर है, फादर है, जो भी है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। हर एक टॉपिक में इतना अच्छे से कवर करूंगा कि आपका गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कैलेंडर तथा घड़ी के मैं शॉर्टकट करवा दूंगा ताकि वहां पे आपका एक क्वेश्चन विद इन 25 सेकंड्स निकले। यार मतलब 25 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग पे तो ये बनता ही नहीं है। और अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, क्या सर हमें मैथ्स भी करना है, तो आपको मैथ्स भी करवा दूंगा। तो आप इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और करवाने का तरीका मैं आपको डेली सुबह 9 बजे, अगर आप कहेंगे तो मैं सुबह 9 बजे वीडियो दे देता हूँ। अगर आप कहेंगे शाम को 5 बजे या 6 बजे वीडियो चाहिए तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आप मुझे टाइम कमेंट कर दीजिए, उसी टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करके डाल दिया करूंगा। उस वीडियो के अंदर क्या है कि मैं पहले आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन खुद करवाऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, मैं पूरी आपको बता दूंगा। उसके बाद आपके लिए मैं 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा और वो आप सॉल्व करके नीचे सिर्फ कमेंट करने हैं। आपने क्वेश्चन के नंबर होंगे 1, 2, 3, आपने उनके आंसर कमेंट करने हैं। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आते तो वो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मैं फिर वो जो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 25 क्वेश्चन जो भी होंगे, उनकी फिर एक अलग से वीडियो बना दिया करूंगा विद सोल्यूशन। तो मतलब एक पहले हम वीडियो अपलोड किया करेंगे 15 मिनट की, फिर उसके बाद सोल्यूशन जो मैं रात को 9 या 10 बजे जब आप चाहेंगे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप कहेंगे मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा वो वीडियो 30 मिनट की, क्योंकि 1 मिनट लगाया करूंगा मैं सब समझाने के लिए। और जब आपको थोड़े दिनों में सब करना आ गया तो फिर मैं सिर्फ सिर्फ एक क्वेश्चन 20 से लेकर 25 सेकंड में करवाया करूंगा। मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चन है और मैं एक 20 सेकंड में करवा रहा हूं तो देख लीजिए 400 सेकंड का काम है, सिर्फ 5 से 6 मिनट की ही वीडियो बनेगी। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर हरियाणा पुलिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको और भी तैयारी करवा रहा हूं, डेली टेस्ट भी होते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाते हैं। तो चैनल का नाम याद रखिए स्टडी मास्टर और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और पहले कौन सा आप टॉपिक करना चाहते हैं। वेन आरेख, इनमें से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो अगर आप कहेंगे सबसे पहले ये तो सबसे पहले मैं ये करवा दूंगा। तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।